हाय दोस्तों, आज हम बताएंगे पावर स्विच सॉकेट कनेक्शन। ये इंडिकेटर स्विच है 20 एम्पीयर का, ये 20 एम्पीयर का सॉकेट है। ये 3 मॉडल प्लेट है, 3 मॉडल बॉक्स है। ये 3 मॉडल प्लेट में सॉकेट को ऐसे प्रेस कीजिएगा लॉक पे लाके, इसमें घाट बना हुआ है देख लीजिए, तो इसको ला के ऐसे प्रेस कीजिएगा तो बैठ जाएगा। बैठ गया, ये इंडिकेटर स्विच को सेम वैसा प्रेस कीजिएगा तो बैठ जाएगा। ये हम आपको कनेक्शन करके बताएंगे। ये इसका डायग्राम मैंने पहले से रेडी कर लिया। ये सॉकेट है, ये स्विच है। अभी सॉकेट में 3 टर्मिनल है, एक अर्थिंग का न्यूट्रल फेस के लिए, और एक स्विच में 2 है, एक इंडिकेटर है। तो हमने 3 वायर लेना है, एक अर्थिंग के लिए, ये एक फेस के मेन लाइन के लिए हो गया, ये न्यूट्रल के लिए। ये अर्थिंग हो गया, ये मेन लाइन, ये न्यूट्रल जिसको ब्लैक से इंडिकेट करते हैं। तो अर्थिंग का डायरेक्ट लेक्चर चल जाएंगे अर्थिंग, और न्यूट्रल को डायरेक्ट सॉकेट में। अभी मेन लाइन को स्विच में फर्स्ट लाना पड़ेगा। ये स्विच में लाया, स्विच से होकर सॉकेट में जाएगा। तो अभी इंडिकेटर है, इंडिकेटर का 2 वायर है, इंडिकेटर का 2 वायर को एक न्यूट्रल चाहिए, तो इसको ये न्यूट्रल में डाल दिया। अब बचा एक, इसको एक फेज चाहिए। अगर नीचे से हम देते हैं तो इंडिकेटर कंटिन्यू चलते रहेगा, अगर स्विच ऑफ भी रखेंगे फिर भी चलेगा। तो इसलिए स्विच से जो सॉकेट में जाएगा, एक वायर को उसमें डालना पड़ेगा, ये ऊपर और इससे इसमें आएगा। ये डायग्राम रेडी हो गया। अब आपको हम स्विच सॉकेट में कनेक्शन करके दिखाते हैं। फर्स्ट उसमें डायग्राम में अर्थिंग में किया, ये अर्थिंग में हमने कनेक्शन इसको कर रहा है सॉकेट में। अर्थिंग का एक वायर डाल दिया, और उसके बाद मेन लाइन। तो इसमें 2 टर्मिनल जो रहता है, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर से सॉकेट में आएगा और नीचे का मेन लाइन इसमें डालेगा नीचे में। ये नीचे में डाल दिया। अभी न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉकेट में डायरेक्ट आएगा, तो इंडिकेटर का एक तार लेना पड़ेगा। ये न्यूट्रल का डाल दिया। अभी बच गया एक इंडिकेटर का, एक स्विच से सॉकेट में आएगा। जो स्विच से सॉकेट में आएगा उसके साथ ये इंडिकेटर का एक वायर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटा ऐसा वायर लेना पड़ेगा जो स्विच से सॉकेट में लूप हो जाए, उतना बड़ा उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। तो हमने ये स्विच में डाल दिया, ये दूसरा पॉइंट सॉकेट में डाल दिया। हो गया इसका कनेक्शन, ये हो गया अर्थिंग, ये फेस, ये न्यूट्रल। अभी ये बॉक्स में आपको डाल के दिखाते हैं। ये हो गया स्विच बोर्ड कनेक्शन रेडी, इसको हमने 2 स्क्रू डाल दिया। अभी इसका टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं। हमने उधर से कनेक्शन दे दिया ये वायर को। ये स्विच ऑन करने से इंडिकेटर जल रहा है, थोड़ा स्लो जल रहा है, इसके लिए नहीं दिख रहा होगा। हम आपको टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं, बल्ब ऑन करके दिखा रहे हैं। देखिए, देख सकते हैं स्विच ऑन ऑफ करने से वर्क कर रहा है।